हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। चलिए आइए हम द लिविंग बर्ड जो कि हमारा यूनिट जो फर्स्ट है, डाइवर्सिटी जो यूनिट है हमारी, डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड्स। तो आज जो हम लोग इसका जो चैप्टर पढ़ रहे थे द लिविंग बर्ड को, उसको उसका जो पार्ट थर्ड है वो हमने इसको रेडी किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे जो एड्स सबसे लिखा है इसका मतलब होता है तरीका। ठीक है, यानी इसको हम वे बोलते हैं, यानी तरीका बोलते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कौन कौन से हम जो है मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम टैक्सोनॉमी को पढ़ पाएँ। ठीक है, यानी टैक्सोनॉमी एक आपस में एक शब्द है, और उस शब्द को अच्छी तरीके से मतलब समझने के लिए हम शब्द का, जैसे आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एड है इसका मतलब होता है कोई तरीका, या इसको हम बोलते हैं उपचार, या इसको हम बोलते हैं एड्स का मतलब होता है वो कौन कौन से ऐसे मटेरियल होंगे जो टैक्सोनॉमी को अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे या बताएंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो बोलेंगे। तो आप जरा ध्यान से आप देखिए कि देखिए क्या लिखा है, ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है कि बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश्ड, यानी बायोलॉजिस्ट यानी जो हमारे जीव वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। इस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, क्या इस्टेब्लिश किया है, ऐसे प्रोसीजर, देखिए मैंने इसको डार्क से कर दिया है, ऐसे प्रोसीजर यानी ऐसी विधियों को और ऐसी तकनीकों को इस्टेब्लिश किया है, यानी उसकी स्थापना की है या बनाया है, ताकि वो स्टोर कर सकें। स्टोर और प्रिजर्व, स्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोर यानी भंडारण करना, और प्रिजर्व का मतलब होता है किसी को सुरक्षित रखना, खास करके कौन सी चीज़ को, इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस को प्रिजर्व करना, स्टोर करना जो है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स में किया जाता है। अब होता क्या है, इसके अंदर कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, उसके स्पेसिमन को यानी उसका जो स्पेसिमन है उसको जो है वो प्रिजर्व करने की जो टेक्निक है उसको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। मैं अपनी अब लैंग्वेज में समझाता हूँ, हम ऐसे बोलते हैं कि जो जीव वैज्ञानिक लोग हैं इन लोगों ने कुछ ऐसी प्रोसीजर और ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है या ऐसा बनाया है ताकि वो जो प्लांट हैं और जो एनिमल हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें प्राप्त हुई है, किसी स्पीसीज से प्राप्त हुई है, वो उस चीज़ को या तो स्टोर किया जा सके या तो प्रिजर्व किया जा सके। ऐसे उपचार को, ऐसे वे को, ऐसे तरीके को टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई ना कोई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कहीं जाना है तो आप जब जाते हैं तो मार्क लगाते हुए जाते हैं। मार्क का मतलब होता है कि अगर आप रास्ता भूल जाएँ तो उस चीज़ को देखने के लिए आप उस चीज़ मतलब आपने सही रास्ते पे आने के लिए आप रास्ते में कुछ मार्क लगाते जाते हैं। जब उधर से लौटते हैं अगर वो मार्क आपको मिलता है तो आप कहते हैं आप सही रास्ते पे हैं, अगर नहीं है तो उसे बोलते हैं गलत रास्ते पे। तो वही सारी तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इट्स टैक्सोनॉमिकल मटेरियल्स के अंदर, जो क्या करते हैं, हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें प्लांट और एनिमल से मिली है उसको हम स्टोर कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को। क्लियर, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं तो वो कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम टैक्सोनॉमी को अच्छे से पहचान सकते हैं। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं हर्बेरियम। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है हर्बेरियम, दूसरा है जिसको बोलते हैं बोटैनिकल गार्डन, तीसरा है जिसका नाम है म्यूजियम, और चौथा है जिसका नाम है जूलॉजिकल पार्क, और पाँचवा नाम है जिसका नाम है कीज़। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास पाँच हैं, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और जिसको हम बोलते हैं कीज़। तो ये सारे जो हैं वो टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं या ये कौन कौन होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने एग्जांपल आपको एक जगह पे लाके रख दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, हर्बेरियम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, तो पहले देखिए हर्बेरियम क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा है कि हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस। सबसे पहला क्या है कि हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस है। अब किसका स्टोर हाउस है, तो आप बोलेंगे कलेक्टेड प्लांट का, यानी ऐसे प्लांट जिसको इकट्ठा किया गया है, यानी उसको हम बोलते हैं प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, यानी कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, ऐसे प्लांट के स्पेसिमेन या सैंपल जिसको बोलते हैं जिनको कलेक्ट किया गया है, और कलेक्ट करके इनको क्या किया गया, ड्राइड यानी सुखाया गया है, उसके बाद इनको क्या किया गया, प्रेस्ड किया गया, दबाया गया है,
उसके बाद उनको क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया, किस पे, शीट्स पे, शीट्स का मतलब होता है पेपर पे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। ध्यान रखिएगा, पहले आप सुखाएंगे, फिर आप उसको दबाएंगे, दबाने के बाद ही उसको आप प्रिजर्व करेंगे। ये तरीका आपका नहीं बदलना चाहिए, यानी ये जो जो ऑर्डर है ये सेम रहना चाहिए, पहले ड्राइड, फिर आपका प्रेस्ड और फिर आपका प्रिजर्व होना चाहिए। और प्रिजर्व कहाँ किया जाता है, तो आप बोलेंगे शीट्स पे प्रिजर्व जो है वो किया जाता है। आगे आते हैं, ध्यान दीजिए कि ये जो शीट्स होती हैं इनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है, तो आप बोलेंगे जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन के सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार किया गया, जिस हिसाब से उसके रूल्स हैं उसी के हिसाब से इसको एक्सेप्ट किया गया और उसी हिसाब से इन शीट्स को जो है वो अरेंज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन शीट्स को तभी उसी हिसाब से अरेंज किया जाता है। आगे तरफ देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जब हम हर्बेरियम बनाते हैं तो हर्बेरियम जब बनाएंगे हम, तो उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, तो पहले ध्यान रखिएगा, जिस दिन हमने उसको कलेक्ट किया है उसकी डेट लिखेंगे, जहाँ से कलेक्ट किया है उसका प्लेस लिखेंगे, उसके इंग्लिश नेम लिखेंगे, उसका लोकल नेम लिखेंगे, लोकल का मतलब उस क्षेत्र में उसका क्या नाम है जहाँ से आपने कलेक्ट किया है। दूसरा है बोटैनिकल नेम उसका लिखेंगे, अगर आपको आता है बोटैनिकल नेम लिखिए, फैमिली लिखेंगे, और जिसने कलेक्ट किया है उसको भी, उसका नाम भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो होता है वो हर्बेरियम की खास बातें होती हैं। आगे देखते हैं हम आगे यहाँ पे कि जो हर्बेरियम है उसकी अगर हम साइज देखें, तो यहाँ पे देखा गया कि जो स्टैंडर्ड साइज होती है हर्बेरियम की, हर्बेरियम जो शीट होता है यानी उसका जो कागज़ होता है, उसका जो पेपर होता है, उसकी स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, 11.5 से 16.5 इंच, यानी 11.5 से 16.5 इंच, यानी 16.5 इंच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 16.5 इंच होता है। दूसरी चीज़ ये है, एक बॉक्स होता है जिसका नाम है वैस्कुलम, ये एक स्पेशल बॉक्स होता है जिसमें हम कलेक्टेड प्लांट को रखते हैं, यानी जो हमने प्लांट कलेक्ट किया है उसको रखने का काम किसमें होता है, वैस्कुलम में होता है। अच्छा, जिस पेपर का इस्तेमाल हम करते हैं हर्बेरियम को सुखाने के लिए, दबाने के लिए, ठीक है, उसका नाम है ब्लॉटिंग पेपर। क्या नाम है इसका, ब्लॉटिंग पेपर उसका नाम है। कभी कभी हम न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल जो है वो कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो तो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसे अभी मैंने बताया है कि 11.5 से 16.5 इंच वैस्कुलम इंपॉर्टेंट है और ब्लॉटिंग पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है बोटैनिकल गार्डन। आप देखिए कि बोटैनिकल गार्डन क्या है, तो आप देखें कि बोटैनिकल गार्डन इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक, यानी जो लिविंग प्लांट्स हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोटैनिकल गार्डन। देखिए, ये एक प्रोटेक्टेड गार्डन होता है जहाँ पे हम बहुत सारे प्लांट्स को जो है वो वहाँ पे उगाते हैं, ह्यूमन केयर के देखरेख में उगाते हैं, और उसको जो प्लांट्स रहते हैं, खास करके ऐसे प्लांट्स को हम उगाने की कोशिश करते हैं जो जिनकी जो तादाद है, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, ठीक है। हालांकि होते सब है, लेकिन फिर भी ये होता है कि हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, या हम बोलते हैं जिनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, उनको यहाँ पे लाया जाता है। अच्छा, आगे आ जाइए कि जो प्लांट स्पीसीज़ हैं इन गार्डन्स के अंदर, उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए उगाया जाता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पहचान के लिए उगाया जाता है, और उस प्लांट पे उसका बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम जो है वो लिखा होता है उनकी फैमिली के साथ, यानी उनकी फैमिली के साथ उनका नाम लिखा होता है कि कौन सी फैमिली के होते हैं, उनका बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम लिखा होता है, और इन प्लांट स्पीसीज़ को इन गार्डन्स के अंदर उगाया जाता है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, यानी पहचान के लिए उगाया जाता है। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है, जो अगली लाइन उसका नाम है, ऐसा कोई बोटैनिकल गार्डन जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ यानी पेड़ और बहुत सारे श्रब उगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्बोरिटम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, आर्बोरिटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्बोरिटम कहलाता है, ठीक है। बहुत ही आपको बहुत ही चुनी हुई चीज़ें हम यहाँ पर देते हैं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब देखिए, हमारे पास कुछ बोटैनिकल गार्डन है, उन्हें आप देख लेते हैं। जिससे पहला है जिसको बोलते हैं इंडियन बोटैनिकल गार्डन, ये कहाँ पे है, तो इंडिया यानी हावड़ा, ठीक है, हावड़ा में है। दूसरा है जिसको बोलते हैं नेशनल बोटैनिकल गार्डन, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है, जो कि कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है, यानी इंडिया, और शॉर्ट में इसका नाम है NBRI। एक दूसरा है जिसको बोलते हैं रॉयल बोटैनिकल गार्डन, ये कहाँ है, क्यू, यानी इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर है। तो ये तीन बिल्कुल NCERT की लाइन मैंने उठा के यहाँ पे रख दी है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है, तीनों याद होने चाहिए आपको, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो अगला पॉइंट है वो है म्यूज़ियम। देखिए, वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात बताई गई है, तो यहाँ पे जो बात बताई गई उसका जो पॉइंट है उसका नाम है म्यूज़ियम, क्लियर है।
म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ। अब यहाँ पे किसका कलेक्शन है तो आप बोलेंगे प्रिजर्व्ड प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनको प्रिजर्व करके रखा गया है, और एनिमल स्पेसिमेन यानी एनिमल के सैंपल को जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया है, ये उनका कलेक्शन है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि ऐसे स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, यानी स्टोर करके रखा जाता है किसमें, किसी कंटेनर में यानी किसी डिब्बे में या किसी जार में, जार में रखा जाता है, और उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है जिसमें उसको रखा जाता है, और वो सॉल्यूशन क्या होगा तो आप बोलेंगे फॉर्मेलिन। ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिन उसको बोलते हैं। आगे आ जाइए कि इसमें जो स्पेसिमेन होते हैं वो ड्राई हो सकते हैं। ठीक है, ड्राई का मतलब होता है ऐसा नहीं कि हर चीज़ में फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ जो है वो ड्राई भी यानी सूखे भी होते हैं, उनके ऊपर दवाओं को छिड़क के उनको ड्राई करके जो है वो रखा जाता है, खास करके स्केलेटन इसके अंदर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देख भी रहे हैं। आगे आ जाइए कि जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो इंसेक्ट हैं इनको प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्स में। ठीक है, इंसेक्ट बॉक्स में कैसे, इनको पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर इनको मारा जाता है यानी किलिंग की जाती है, फिर इनकी पिनिंग की जाती है। पिनिंग का मतलब उनको किसी चीज़ में पिन करके उसके बाद डाला जाता है। तो पहला है कलेक्टिंग, दूसरा है किलिंग, और तीसरा जो है उसका नाम है पिनिंग। कल हम इसके क्वेश्चंस आपको लाके जो है वो देंगे, कई सारे क्वेश्चन होंगे, 20-30 क्वेश्चन कम से कम हम दे देंगे, जिसके अंदर आपको जो है वो अच्छे से आपको उसमें जो है वो आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला जो ऑप्शन है वो कलेक्टिंग है, दूसरा है जिसको बोलते हैं किलिंग, फिर तीसरा है पिनिंग। तो ये ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी लार्जर एनिमल्स हैं यानी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जैसे कि बर्ड हुए, मैमल हुए, इनको स्टफ़ किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। स्टफ़ का मतलब होता है इन पर दवाएँ छिड़की जाती हैं और फिर इनको प्रिजर्व किया जाता है। आगे आ जाइए कि जो म्यूजियम होते हैं इसके अंदर कलेक्शन ऑफ स्केलेटन आल्सो। ठीक है, यानी स्केलेटन के कलेक्शन भी इसके अंदर जो है वो देखे गए हैं। दूसरी चीज़, जो म्यूजियम है वो हमें क्या प्रोवाइड कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, तो आप बोलेंगे लोकल फ्लोरा और लोकल फाउना के बारे में। लोकल फ्लोरा और फाउना, देखिए फ्लोरा और फाउना का मीनिंग क्या होता है, देखिए फ्लोरा माने होता है प्लांट और फाउना माने होता है एनिमल। ठीक है, तो फ्लोरा माने प्लांट, अब आप ध्यान रखे होंगे कि तो इसमें प्लांट एनिमल भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्लोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लोरा, और किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं। पूरे को नहीं इंक्लूड करेंगे, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में पूछा जा रहा है उसी को तब हम उसको लोकल फ्लोरा या लोकल फाउना जो है वो बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे जो है वो बढ़ते हैं। दूसरा है, अगला जो नेक्स्ट हमारा है उसका नाम है जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, क्या नाम है, जूलॉजिकल पार्क्स। आप देखेंगे जूलॉजिकल पार्क, अब इसको आप देखा हो, आपने देखा भी होगा। देखिए ये जूलॉजिकल पार्क ऐसे प्लेसेस होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। आप चिड़ियाघर जैसे जान लीजिए, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, अंडर ह्यूमन केयर यानी किसी मानव की देख रेख में रखा जाता है। और वहाँ पर क्या किया जाता है कि हम जाके वहाँ पर देखते हैं कि पढ़ते हैं, सीखते हैं कि आखिर उनका फूड हैबिट क्या है, यानी उनको रहने की खाने की आदत क्या है और उनका बिहेवियर क्या है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स की स्थापना की गई है। दूसरी चीज़ कि जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वहाँ की जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट के जैसी होती है, या वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट के जैसे बनाने की कोशिश की जाती है, उनको बना के रखा जाता है। क्लियर है, इसे बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जू यानी चिड़ियाघर। आप देखिए बहुत सारे चिड़ियाघर हैं, आप वहाँ पर जाके देखें, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कुछ जूलॉजिकल पार्क हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। अगर आप देखेंगे तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में मथुरा रोड पे। ठीक है, वहाँ पे है। दूसरा है महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क ये है पंजाब में, पंजाब के पास छठबीर है वहाँ पे है। ठीक, दूसरा है कानपुर जूलॉजिकल पार्क, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या गार्डन्स को बोलते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल हाँ गार्डन्स को बोलते हैं, ये लखनऊ में है, इसे नवाब वाजिद अली शाह गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है जूलॉजिकल गार्डन, ये बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में। तो ये थोड़ा सा आपको याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा जो लास्ट है वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, की के बारे में बात करनी है। बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैंने उसको लिख दिया है। आगे देखिए की, देखिए क्या है, तो की अगर आप देखेंगे तो की एक दूसरा टैक्सोनॉमिकल ऐड है। अब जानते हैं एड, मैंने बता दिया कि एड माने होता है तरीका, यानी ऐसा तरीका जो हम टैक्सोनॉमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो की एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल एड है जिसका इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, किसके, प्लांट और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये जो की होते हैं, ये जो टैक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं यानी की वाला जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है, ये बेसिस होता है किस पे, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के आधार पे।
सिमिलरिटी का मतलब समानता और डिसिमिलरिटी का मतलब होता है असमानता, दैट इज डिफरेंसेज यानी विभेद, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे जो है ये बेस्ड होता है। दूसरी चीज़, जो कीज़ होते हैं ये बेस्ड होते हैं किस पे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करना भूल गया हूँ, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इसको आप कर लीजिएगा कि जो कीज़ होते हैं वो बेस्ड होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ये कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में। और इन पेयर को क्या कहा जाता है? कॉपुलेट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कॉपुलेट कहा जाएगा। अच्छा, इस कॉपुलेट में जो ये पेयर होते हैं इनके अंदर होता क्या है कि दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच में, भाई पेयर होते हैं ना, तो इसमें दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में एक चॉइस रखी जाती है, एक को रिजेक्ट किया जाता है और दूसरे को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। भाई दो हैं, कॉपुलेट हैं, तो दो होंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि एक्सेप्टेंस ऑफ वन, यानी एक को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और दूसरे को क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, इस की में हर स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है, ठीक है, दो है ना, तो दोनों को क्या कहा जाएगा? लीड कहा जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो कीज़ होते हैं वो जनरली यानी सामान्यतः एनालिटिकल इन नेचर, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, जिसको मैंने डार्क कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि कीज़ जो होते हैं वो जो है वो नेचर में क्या होते हैं? एनालिटिकल होते हैं। आगे देखिए कि अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज़, अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। जैसे फैमिली के लिए अलग होगी, जीनस के लिए अलग होगी, स्पीसीज़ के लिए अलग होगी, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो कीज़ होते हैं उनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें जो है टैक्सोनॉमी के बीच में डिफरेंसेस करना होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि उनको पहचानना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो उसमें हमारे पास कितने हैं? आप देखिए, आपके सामने चार हैं, एक जिसको बोलते हैं फ्लोरा, दूसरा है जिसको मैनुअल, ये कीज़ कहलाती हैं, और तीसरा होता है जिसको मोनोग्राफ, और चौथा जिसको बोलते हैं कैटालॉग। क्या बोलते हैं? कैटालॉग, है ना, कैटालॉग बोलते हैं। इनका इस्तेमाल होता है रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, यानी किसी प्लांट या किसी एनिमल के जो डिस्क्रिप्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसके कैरेक्टर, उसका पहचान, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि फ्लोरा कॉन्टेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। देखिए, हैबिटेट यानी किसी प्लांट का किसी पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरीके से उसका हैबिटेट है, उसके एक्चुअल अकाउंट को ये रखता है, इसलिए इसको फ्लोरा कहा जाता है। देखिए नाम से फ्लोरा मतलब प्लांट। दूसरी चीज़, दे प्रोवाइड ए इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज के बारे में ये हमें इंडेक्स दिलाता है, यानी हमें जानकारी दिलाता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। यानी मैं फिर से बताया दे रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसके जनरल अकाउंट के बारे में हमें फ्लोरा बताता है, और ये किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पीसीज के बारे में हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है। आगे आते हैं जिसको हम बोलते हैं मैनुअल्स, ठीक है। तो मैनुअल की अगर बात करें तो मैनुअल जो है वो यूज़फुल है किसके किसके बारे में, तो आप बोलेंगे प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए? फॉर द आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज, यानी किसी स्पीसीज़ के बारे में, किसी स्पीसीज़ के नेम के बारे में जानने के लिए, वो भी कहाँ? एक पर्टिकुलर एरिया में। तो मैं अब ऐसे बताता हूँ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला जो स्पीसीज़ है उसके नेम की जानकारी के संबंध में सूचना को प्राप्त करना मैनुअल कहलाता है, ठीक है। इसीलिए हमें यूज़फुल है, भाई आप किसी प्लांट को इकट्ठा करने जाएंगे और आपको उसका नाम नहीं पता है तो वहाँ के लोगों से आप उसका नाम पता करेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स उनको बताएंगे तब तो वो नाम बताएंगे ना। ये है। तीसरा है जिसको बोलते हैं मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ जो है वो किसी पर्टिकुलर एक टैक्सॉन, एक कैटेगरी के बारे में ही हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता है। और आपने अभी आगे भी देखा था जिसको बोलते हैं कैटालॉग। तो आप देखिए कैटालॉग क्या होता है, कैटालॉग क्या होता है? लिस्ट होती है जहाँ पे हम कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमारा जो द लिविंग वर्ड चैप्टर है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा अगला जो चैप्टर है उसका नाम है किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कल जो है हमारी जो मतलब अगली जो वीडियो है वो किंगडम क्लासिफिकेशन पर रही। और सबसे पहला इसे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कल, और आप हमारी वीडियो जो है वो देखते रहिए, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ सुझाव लगता है या कुछ जो मतलब सुधार करने योग्य है तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।